शाम के 7:30 बजने को है और अब भारत यात्रा। भारत यात्रा आज पहुंच गई है बिहार। 2014 में मोदी के विरोधी रहे नीतीश अब मोदी भक्त हो गए हैं। ऐसे में आज होगी वैशाली से लेकर दरभंगा तक के मूड की पड़ताल। तो देखिए उमेश कुमावत के साथ भारत यात्रा। यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत 5 राज्यों में भारत यात्रा के बाद अब उमेश कुमावत बुद्ध की धरती बिहार पहुंचे हैं। आज देखिए मोदी के काम पर वैशाली की आम जनता का मूड। नमस्कार, मैं हूं उमेश कुमावत और भारत यात्रा में आपका स्वागत है। भारत यात्रा अब बिहार पहुंच चुकी है और बिहार में भारत यात्रा की हम शुरुआत कर रहे हैं विश्व के यानी कि दुनिया के सबसे पहले लोकतंत्र से यानी कि वैशाली से। आज दुनिया भर में लोकतंत्र अपनाया जा रहा है लेकिन विश्व का सबसे पहला लोकतंत्र यहीं पर था वैशाली में। ऐतिहासिक विरासत को अपने में समेटे ये वैशाली की धरती है। सम्राट अशोक, महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर की धरती है ये। इसके कण कण से आपको रूबरू कराएंगे लेकिन पहले ले चलते हैं बिहार की राजधानी पटना। ये पटना का रेलवे स्टेशन है और यहीं पर है मशहूर हनुमान मंदिर। पटना स्टेशन के पास रोज की तरह आज भी भीड़ थी। यहां यूं ही सुबह से शाम तक बस ऑटो की भीड़ लगी रहती है। हम यहां से वैशाली के लिए निकले। नीतीश के राज में पटना की सूरत बदल गई है। बड़े बड़े फ्लाईओवर बन गए हैं और जाम का झंझट शहर में पहले से कम हो गया है। गंगा पार करने के लिए हमने नए वाले पुल की बजाय पुराने पुल से जाने का फैसला किया और निकल पड़े गांधी सेतु पुल की ओर। पिछले 5-6 सालों से गांधी सेतु पुल पर मरम्मत का काम चल रहा है और एक बड़े हिस्से में पुल वन वे हो चुका है, लिहाजा यहां ट्रैफिक जाम आम बात है। यह है बिहार की राजधानी पटना और इस वक्त हम खड़े हैं पटना के पास महात्मा गांधी सेतु पुल पर। महात्मा गांधी सेतु पुल ये देश का दूसरा बड़ा पुल है और इस वक्त थोड़ा सा जर्जर हालत में है। यहाँ पर इस पर मरम्मत का इस वक्त काम भी चल रहा है। ये जो पुल बना है ये पटना और हाजीपुर को जोड़ता है। करीब 5.5 किलोमीटर लंबा ये पुल इस गंगा नदी पर बना हुआ है और देश का दूसरा बड़ा पुल है। क्योंकि ये पुल अब जर्जर हो चुका है इसलिए एक नया पुल भी यहाँ पर गंगा नदी पर बनाया गया था। वो पुल थोड़ा दूसरी तरफ है लेकिन बावजूद इसके इस पुल पर यातायात अभी भी चल रही है और इसका मरम्मत का काम भी अभी चल रहा है। बरसात की वजह से गंगा में पानी बढ़ रहा है और ये पानी छठ के बाद जाकर घटना शुरू होगा। अभी हमें गंगा में नाव पर बालू निकालने वाले कुछ लोग दिखाई दिए। बरसात का पानी कम होगा तब इस बालू की नीलामी होगी जो कि राज्य सरकार की रेवेन्यू का एक बड़ा जरिया है। कुछ दिनों पहले तक पटना का ये गांधी सेतु पुल देश का सबसे लंबा पुल हुआ करता था। ये पुल हाजीपुर के साथ ही समूचे उत्तर बिहार को राजधानी से जोड़ता है। जाम नहीं मिलता तो गाना बजाते हुए गाड़ियां तेजी से भागती हैं। लेकिन जाम हो गया तो फिर खैर मनाइए क्योंकि गंगा पुल के जाम से पार पाना गंगा नहाने के बराबर है। पटना से जैसे जैसे हम हाजीपुर की ओर बढ़ते गए तो पुल के नीचे केले की खेती दिखी। हाजीपुर का केला काफी मशहूर है लिहाजा हमने गाड़ी पुल के नीचे उतार दी और चल दिए सिरसिया गांव की ओर। गांव के खेतों में बच्चे छोटे छोटे ट्रक बनाकर खेल रहे थे। वहीं पर हमारी मुलाकात 28 साल के संतोष दास से हुई। सुनिए हमारे सवाल का उन्होंने जवाब क्या दिया। मोदी सरकार को आके 4 साल हो गए
चार साल पहले जब सरकार आई थी विकास होगा अच्छे दिन भी आएंगे, ये चार साल आपके कैसे गए? देखिए सर, मोदी जी ने बोल के किए कि हम गरीब के लिए हम देखेंगे, लेकिन आज तक गरीब के नहीं देखे, और गरीब के भी देखबे किए, ऊपर से विकास भी किए, तो बीच में जिससे उधर से भेजते हैं मोदी जी, लेकिन बीच में मेरा घूस खाता है 20,000 रुपया इंदिरा आवास के लिए कि 20,000 रुपया मेरा इंदिरा आवास दीजिए तो आपको इंदिरा आवास मिलेगा, अंत नहीं मिलेगा। वो जितना जो ऊपर से भेजते हैं मोदी जी, वो टोटल ऊपर का आदमी जो बड़े आदमी हैं से खाते हैं, छोटा आदमी जो गरीब है सो गरीब है। ये है मोदी जी के सरकार में गरीब का कोई उपाय नहीं है। तो मोदी सरकार को अगले साल मौका देंगे कि नहीं? आप कैसे देंगे मौका? मौका कैसे देंगे? क्यों नहीं देंगे? बजट है कि जैसे कि उनको, जैसे कि लालू यादव के जो राज था, हाँ। तो गरीब का जैसे कि देखे थे। साफ है कि संतोष दास अगले साल मोदी सरकार को मौका नहीं देंगे। अब हमें जानना था कि संतोष बिहार की नीतीश सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, तो हमने उनसे अगला सवाल नीतीश सरकार के बारे में पूछा। तो नीतीश की सरकार कैसी है? नीतीश का सरकार सही था, लेकिन नीतीश बीच में गड़बड़ा दिया, वो आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं, नीतीश मोदी जी सही नहीं। नहीं नहीं, नीतीश जी मोदी जी का बीजेपी के साथ गए, वो आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं लगा। अब वो अलग होते हैं तो? अलग होते हैं तो जिससे उनका तो मिलवे करेगा, तो अच्छा है। हाँ अच्छा है। तो आप किसको मौका देंगे फिर? मोदी जी को देंगे, मतलब बीजेपी को देंगे यहाँ पे, या फिर लालू को देंगे? जैसे आप सुनिए, हम बोलते हैं तो हम इंग्लिश में नहीं बोलते, हम सीधे छेड़ डंडी में, हम लोग खेत तामने वाला है, भैंस के गोबर निकालने वाला है, हम सीधे लालू जी जानते हैं, मोदी जी जानते हैं, या नीतीश जी जानते हैं, हम वो नहीं जानते, ईपी जी या दुनिया को, हम देंगे लालू यादव। संतोष दास लालू यादव के आरजेडी को वोट करेंगे। संतोष की बात सुनकर हमने सोचा क्यों न यहाँ कुछ और लोगों से बात की जाए। यहीं पर हमारी मुलाकात हुई रंजीत दास से, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। आपको कैसी लगी मोदी सरकार के चार साल? चार साल में मोदी सरकार के यही लगा कि रोड उड के लिए कुछ अपना सेवा किए हैं, लेकिन खेती गृहस्थी के लिए सेवा कुछ नहीं किए हैं। अच्छा, खेती गृहस्थी में है कि अब मान के चलिए कि 10 बीघा गेहूं बो दिया, उसमें खाद पानी के लिए पैसे चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? अब कर्जा काट करके दुनिया लगा दिया, लगाने के बाद में क्या हुआ कि होने का 10 किलो हुआ 5 किलो, 5 किलो हुआ तो मान के चलिए कि 5 किलो हुआ 10,000 रुपये लगा दिए, उसमें कुछ लाभ हुआ नहीं, घर से 20,000 टूट गया। ये तो चलो हो गई मोदी सरकार की बात। यहाँ जो सरकार है, मतलब नीतीश जी अब बीजेपी के साथ चले गए, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ना तो नीतीश चलाया था ना, हाँ, तो पिछली साल कुछ चलाया था, बढ़िया से चलाया था, ऐसा कोई बात नहीं है। गरीब के लिए भी, हम मातबर के लिए देखता था तो जरूर एकदम बराबर देखता था, नहीं देखता था तो साफ ही नहीं देख रहा था वो। तो मतलब वो लालू जी के साथ अच्छे थे या बीजेपी के साथ अच्छे है? नहीं तो पहले तो वही के साथ में अच्छे थे वो। हाँ हाँ, उन्हीं के साथ में अच्छे थे। तो आप किसको मौका देंगे? उनको मौका देंगे? मौका तो उन्हीं को मिलेगा अगर जो अलग अलग हो जाएंगे। जब एक लाठी जब दो जगह टूट के हो जाएगा तो वो तो विकास पहले करेगा, जो आगे का में गरीब के देखा है तो गरीब तो मरेगा उन्हीं के पीछे। अलग अलग हो जाएंगे तो आप किसको मौका देंगे, बीजेपी को या नीतीश को? मौका देंगे नीतीश को पहले, क्योंकि वो बना के गया, कुछ करके गया है यहाँ पे, तमाशा कुछ करके गया कि नहीं करके गया। हाजीपुर के लावा महंग भैले धनिया, हाजीपुर के लावा महंग भैले धनिया। यहाँ से हम निकले वैशाली की तरफ, सड़कें अच्छी बनी हुई हैं, लिहाजा गाड़ी तेजी से चल रही थी। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार वैशाली में ही देश का सबसे पहला गणतंत्र यानी रिपब्लिक बनाया गया था। आज जिस जनतंत्र लोकशाही को विश्व में अपनाया जा रहा है, वो इसी धरती की देन है। और वैशाली में यह है भगवान बुद्ध के पार्थिव अवशेष पर निर्मित स्तूप, और इसके बारे में यहाँ पर जानकारी भी दी गई है। यहाँ लिखा गया है कि यह स्तूप भगवान बुद्ध के पार्थिव अवशेष पर बने 8 मौलिक स्तूपों में से एक है। बौद्ध मान्यता के अनुसार बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात
कुशीनगर के मल्लों द्वारा उनके शरीर का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया तथा अस्थि अवशेष को 8 भागों में बांटा गया, जिसमें से एक भाग वैशाली के लिच्छवियों को भी मिला था और उसी पर इस स्तूप को बनाया गया है। काफी सारे पर्यटक देश विदेश से यहाँ पर आते हैं। इसी स्तूप से थोड़ी ही दूरी पर है अशोक स्तंभ, जिसे देखने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ रोज आते हैं। आज भी यहाँ सैलानियों की भीड़ थी। और यह है वैशाली में अशोक स्तंभ। भगवान बुद्ध ने अपना आखिरी उपदेश यहीं पर दिया था और उसी के उपलक्ष्य में सम्राट अशोक ने इस अशोक स्तंभ को बनवाया था। वैशाली की नगरवधु, वैशाली की नर्तकी आम्रपाली को भगवान बुद्ध ने यहीं पर भिक्षुनी बनवाया था। यहाँ पर आपको देश विदेश से कई सारे पर्यटक देखने को मिलेंगे जो इस जगह को देखने के लिए आते हैं। वैसे वैशाली भगवान बुद्ध की कर्मभूमि है और भगवान महावीर की जन्मभूमि। भगवान बुद्ध की धरती से निकलकर हम बढ़े जैन धर्म के तीर्थंकर भगवान महावीर की जन्म धरती की। थोड़ी ही दूर पर पड़ता है कुंडल ग्राम। यहीं पर है वो सुंदर मंदिर। बिहार की इस सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को देखने समझने के बाद हमारी मंजिल थी मोदी के बारे में यहाँ के लोगों की राय समझने की। यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई 42 साल के राजकुमार पटेल से। सुनिए वो क्या कहते हैं। मोदी सरकार को आने से हम भ्रष्टाचार जो चोरी आती होता था ये सब तो रुक गया है ना। यही हुआ है और क्या हुआ। कहीं कहीं कष्ट भी हुआ है तो कहीं कहीं फायदा भी हुआ है। यही हुआ। क्या कष्ट हुआ, क्या फायदा हुआ? जैसे हम लोग का फायदा होने का कारण हुआ कि मोदी सरकार से जो काम अगर नहीं होता था वो काम ऑफिशियल में अगर नहीं होता था तो कुछ ऐसा भी काम हो जाता है। आप पहले किसी को माध्यम बना के होता था, आप डायरेक्ट हो जाता है। अच्छा। यही फायदा हुआ, दूसरा कुछ फायदा नहीं हुआ। बैंक का भी जो काम होता है तो कुछ काम हो जाता है, कुछ काम न भी होता है। तो सरकार से खुश है आप? हाँ, हम लोग तो खुशे हैं। हम लोग का क्या दिक्कत, बस तो आप खुश हैं तो उन्हीं को मौका देंगे ना वापस? देंगे। यहाँ की सरकार से कैसी लगी आपको? यहाँ पे भी बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार है, वो कैसे लगती है आपको? अभी नीतीश कुमार को सरकार है ये बात देखा जा रहा है। पहले के प्रति इनका अभी कार्यक्रम जो चल रहा है वो सही नहीं चल रहा है। अच्छा, मतलब कैसे? कैसे कि अभी नीतीश कुमार को जो अपने राज्य में जो ये सब गुंडागर्दी जो हो रहा है, भ्रष्टाचार जो हो रहा है, कहते हैं कि दारू बंद हो गया, दारू चलिए रहा है, तो इससे तो हम लोग को घाटा ही हो रहा है, फायदा थोड़े हो रहा है। लेकिन ये अगर अपना सुधार ले तो ठीक है, तो हम लोग इनके साथ हैं। तो मोदी जी को मौका देने के बारे में आप एकदम कंफर्म है? हाँ। लेकिन नीचे कंफर्म नहीं है किसको देंगे? ना, नीचे कंफर्म नहीं है। वैशाली में राजकुमार से बात कर हम निकले मुजफ्फरपुर की तरफ। कहने को मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में शामिल है, लेकिन इस शहर में आने पर आपको साफ सफाई नहीं दिखती। रास्ते में ऑटो की भीड़ ही भीड़ दिख रही थी। दरभंगा के रास्ते में एक जगह हमें 66 साल के ठेला चलाने वाले धसाई राम मिले। हमने ठेले पर बैठकर उनसे बातचीत की। तो आपको ये सरकार कैसी लग रही है? अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा है? अच्छा है जो हम लोग के गरीबों लोगों के बहुत सारा कर रहे हैं। हाँ। अनाज देते हैं। हाँ। पैसा कर देते हैं। हाँ। और हम लोग के गरीब है बहुत, नोटबंदी में भी हम लोग का अच्छा हुआ है। अच्छा। कोई घाटा नहीं हुआ हम लोग के। आप मोदी जी को दोबारा मौका देंगे? जी जरूर दे सकते हैं, दोबारा वापस मौका देंगे। जी देंगे, जरूर देंगे, देंगे? हम लोग का फायदा है। हाँ। इसी चलते हम लोग फिर दोबारा हम लोग चाहेंगे। हाँ। जी बिहार में किसको देंगे? बिहार में अब हम इनको कहेंगे, बिहार में अब मोदी के देंगे, बिहार में अपना मोदी के देंगे, बिहार में अपना। अच्छा, मोदी को ही देंगे बिहार में? जी, मतलब बीजेपी को ही देंगे? जी। हम जिस इलाके से होकर आए हैं वो इलाका तिरहुत कहलाता है। तिरहुत प्रमंडल में कुल 6 जिले हैं। यहाँ लोकसभा की 8 सीट है, 5 सीट पर बीजेपी, 2 सीट पर एलजेपी और 1 सीट पर आरएलएसपी का कब्जा है। तिरहुत के इलाके से निकलकर हम जा रहे हैं अब मिथिलांचल की ओर, जहाँ का सबसे बड़ा शहर है दरभंगा।
दरभंगा 16वीं सदी में स्थापित दरभंगा राज की राजधानी थी। अपनी प्राचीन संस्कृति और बौद्धिक परंपरा के लिए ये शहर विख्यात रहा है। इसके अलावा ये जिला तालाबों, मछली, आम और मखाना के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ का महल देखने लायक है। दरभंगा में ये है इंद्र भवन। कहते हैं दरभंगा के महाराजा यहाँ पे इंद्र की पूजा किया करते थे और जब पूजा होती थी तो ये पूरा मैदान उस वक्त भर जाता था और हाथी घोड़े यहाँ पर हुआ करते थे। यही नहीं, यहाँ पर किला भी है महाराज का। देखिए ये जो किला देखेंगे ये सिंह द्वार है। इस तरफ किले के अवशेष आपको दिखाई देंगे और ये सिंह द्वार है। सिंह द्वार पर आपको मछलियों के चिन्ह भी दिखेंगे क्योंकि यहाँ पर मछली को काफ़ी शुभ माना जाता है और कहते हैं कि यहीं पर ऊपर बैठकर जो महाराजा की रानियां थी वो इस इंद्र पूजा को देखा करती थी। दरभंगा में हमारी मुलाकात हुई अरुण कुमार शर्मा से। उन्होंने दरभंगा में अभी नया एक स्वीट मार्ट का आउटलेट खोला है। सुनिए क्या है उनकी राय मोदी सरकार के बारे में। हम लोग बिजनेसमैन हैं तो हमें लगा कि भाई हम लोग तो बीजेपी को वोट देते हैं या उसके वोटर माने जाते हैं, हम ही लोग के ऊपर में कैसे एक कुठाराघात हुआ। लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, GST बहुत अच्छी चीज़ है। एक साल हो गए। हाँ, कि सरकार को आप कैसे देखते हैं? नीतीश जी के आने के बाद लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ है, अच्छा हुआ है और फिर नीतीश जी ने एक टर्न लिया लालू जी के साथ। लालू जी के साथ जब कोलैबोरेशन हुआ तो फिर से वो सारी चीज़ें अपना सर उठाने लगी थी तो हम लोग फिर से भयभीत हो गए थे। फिर आप यहाँ किसको मौका देना चाहिए? यहाँ के तो दो दो तीन तीन है, बीजेपी है, RJD है, नीतीश कुमार है। नहीं, हम तो चाहेंगे कि नीतीश जी रहें और भाजपा के साथ रहें तो उसका बेनिफिट हम सभी को मिलेगा। अरुण कुमार शर्मा जो कह रहे हैं वो एक वक्त बिहार की सच्चाई थी। रंगदारी, अपहरण आम बात हो चुकी थी। लोग अब भी उस दौर को भूले नहीं हैं। ये नीतीश सरकार के लिए प्लस पॉइंट है। इतने लोगों की राय जानने के बाद हमने एक्सपर्ट से भी इस मूड को समझने की कोशिश की। क्या लोगों में कोई बदलाव देखते हैं आप? भीतर से लोगों में आक्रोश तो है लेकिन पिछली सरकारों को भी लोगों ने देखा है। अंततः लोग ये कहता है कि ज्यादा कुछ न करे थे तो शांति तो है, करता वो सरकार के उतेक दिन देख लिए थे, एकरा के कुछ दिन और देख लिए। हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली और दरभंगा घूमकर एक बात तो समझ आती है कि केंद्र में मोदी को लेकर लोगों में क्रेज है लेकिन नीतीश सरकार को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। इस इलाके से आज बस इतना ही। आगे हमारी भारत यात्रा बढ़ेगी पूर्णिया, भागलपुर और बांका की तरफ और हम आपको वहां की जमीनी हकीकत से वाकिफ कराएंगे। इसके अलावा हम आपको बताएंगे इस पहाड़ के बारे में। इस पहाड़ का नाम है मंदार पर्वत और कहा जाता है, मान्यता है कि जब दैत्य और दानवों ने समुद्र मंथन किया था तब इसी पहाड़ का इस्तेमाल किया था, तो इसकी कहानी भी दिखाएंगे। तो देखना मत भूलिए भारत यात्रा। मेरे साथ कैमरामैन आसिफ के साथ उमेश कुमावत, ABP न्यूज बिहार। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।